आया दुर्भाग्यपूर्ण, महागठबंधन में शामिल होने का दिया निमंत्रण, पीएम पर जमकर बरसे कांग्रेस विधायक। झारखंड में दूसरी लहर को लेकर शुरू हुई बयानबाजी, जेएमएम ने बोला बीजेपी नेता पर हमला, बाबूलाल मरांडी पर बेतुकी बयानबाजी का लगाया आरोप। मधुबनी में वैज्ञानिक और डॉक्टर दे रहे लोगों को चेतावनी, बच्चे को सुरक्षित जगह रखने की कही बात, बच्चों के लिए जानलेवा कोरोना की तीसरी लहर। वहीं मुजफ्फरपुर में लापरवाही से मासूम की मौत, पीड़ित परिजन के समर्थन में उतरी सामाजिक कार्यकर्ता, सीएम नीतीश से की मुआवजे की मांग। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को परिस्थिति वश मुख्यमंत्री करार दिए जाने के बाद भाजपा से टुन्ना पांडे को निष्कासित किए जाने के फैसले को कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और साथ ही उन्हें महागठबंधन में शामिल होने का निमंत्रण टुन्ना पांडे को दिया है। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जब कोई नेता आवाज उठाता है तो उसे दबाने के लिए उसे पार्टी से ही निकाल दिया जाता है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बिहार के अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था करने की मांग की है। आप ये बताइए, आदरणीय जो एमएलसी टुन्ना पांडे जी हैं, इन्होंने क्या गलत बोला? परिस्थिति वश मुख्यमंत्री बोला, गठबंधन में तो यही होता है। माननीय नीतीश कुमार जी, जदयू को तो बहुत कम सीट आया था, और भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलसी ने कहा, जो स्थिति कोरोना काल में कोविड-19 के तहत जो लोग मर रहे हैं, कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई चीज़ नहीं है, वेंटिलेटर पर चलाने वाला आदमी नहीं है, तो आवाज़ उठाओ उसको पार्टी से निष्कासित कराते हैं। जदयू के कुछ नेताओं ने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री के बारे में कोई बोलेगा तो मैं उसको कुछ भी कर दूंगा। इसके भारतीय जनता पार्टी दबाव में उसको निकाली है, यह बिल्कुल गलत है। आवाज़ उठाना, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री मुखिया है इस बिहार के, अगर कुछ गलतियां हो रही है, काम नहीं हो रहा, तो आवाज़ तो नहीं उठेगी। मैं भी पत्र लिखता रहता हूँ, जैसे मैंने आज भी एक पत्र लिखा है। इकमो मशीन एक भी बिहार में किसी भी सदर हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में नहीं है, बड़े बड़े शहरों में जाइए है। इकमो मशीन से क्या होता है कि वो फेफड़े को काम कराने लगता है, अपने से कृत्रिम फेफड़े का वर्क करता है, आदमी की जान बचती है। तो मैं तो आग्रह किया हूँ कि वो एक्मो मशीन भी आप ऊपर लाने का व्यवस्था करिए। केंद्र में भी आपकी सरकार है, बिहार में भी आपकी सरकार है, इसको भी लगाने का काम कीजिए। आवाज़ उठाइएगा नहीं, जनता को जो दिखते हैं तो आप उसको पार्टी से निकलवा देते हैं। वहीं झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर की स्थिति को देखते हुए राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जोरों पर है। इसी कड़ी में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी पर एक बार फिर हमला बोला है। सुप्रियो ने कहा कि नेताजी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी का वैक्सीनेशन को लेकर बयान बेतुका है। ये बाबूलाल जी का आज का जो बयान है वैक्सीन के ऊपर में, ये कंपनी और राज्य सरकारें तय करेंगी। राज्य सरकारें ने तय नहीं किया, ये केंद्र सरकार के साथ में जो वैक्सीन बनाने वाली, चाहे सीरम इंस्टीट्यूट हो या को वैक्सीन वाली भारत बायोटेक हो, उन्होंने इस बात को कहा है कि हम आपको तो 150 रुपये में दे देंगे, लेकिन हम राज्यों को 400 रुपये और 600 रुपये में देंगे। और झारखंड में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कुल 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस दौरान कई बड़े फैसले लिए गए और साथ ही घोषणा की गई कि नगर विकास विभाग पीएम स्वनिधि पथ विक्रेता पर लोन के लिए 1 रुपये का शुल्क लगेगा और इसके साथ ही रसोईया और सहायिका को 500 अतिरिक्त मानदेय मिलेगा, यानी अब रसोईया को 2000 प्रति माह मानदेय मिलेगा। वहीं कोरोना से जुड़े डॉक्टरों को 1 माह का अतिरिक्त वेतन मिलेगा और इसके अलावा रिम्स में सीटी स्कैन मशीन खरीदने की घटोत्तरी स्वीकृति भी की गई है और साथ ही 4 किस्तों में बिजली के बिल को जमा करने के फैसले के साथ कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगी है। केंद्र प्रायोजित मध्याह्न भोजन एवं सहायिकाओं को जो मानदेय दे होता है इस योजना के अंतर्गत, वो 1000 रुपये है।
लेकिन 2015 से राज्य सरकार अपने संसाधन से 500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त राशि दे रही है और इसे 500 रुपये प्रति माह और बढ़ाते हुए अतिरिक्त देय राशि अब 1000 रुपये प्रति माह हो जाएगा और इसमें अतिरिक्त जो राशि का वहन हो रहा है 10 महीने के लिए वो 39,79,55,000। वहीं केंद्र सरकार के नीति आयोग की ओर से राज्यों के विकास को लेकर जारी की गई सूची में बिहार का स्थान सबसे निचले पायदान पर है और इसे लेकर आरजेडी विधायक राकेश कुमार रोशन ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और बिहार सरकार पर जमकर विकास के मामले पर ठगने का आरोप लगाया है। आखिरकार नीति आयोग ने बिहार के विकास का पोल खोल करके रख दिया। जो हमारे बिहार के अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं प्रतिदिन ढिंढोरा पीटते हैं कि बिहार में दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है और बिहार की जनता की बुनियादी समस्याओं को समाधान करते हुए हम एक बेहतर बिहार का निर्माण कर रहे हैं। उनके सारे वक्तव्य को नीति आयोग ने झूठा करके ये साबित कर दिया कि बिहार जो है अपने विकास के पैमाने पर नीचे से सबसे अव्वल नंबर पे है। अब नीति आयोग के रिपोर्ट के बाद भी यदि मुख्यमंत्री जी विकास का आईना दिखाते हैं बिहार के लोगों को तो ये बिहार की जनता को ठगना है, इसके सिवा कुछ नहीं। वही अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के बाद मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आईसीएमआर पर राजनीति करने की आशंका जाहिर की है और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों में वैक्सीनेशन को तेज करने के सवाल पर कहा कि झारखंड मैन्युफैक्चरिंग राज्य नहीं है, जितनी वैक्सीन हमें मिलती है हम उतना लोगों को लगाते हैं। पिछले दिनों आईसीएमआर के गाइडलाइन के अनुसार सारे काम किए गए हैं लेकिन ऐसा लगता है कि आईसीएमआर वैज्ञानिकों से सलाह लेकर कार्य कर रही है या राजनीतिक नफा नुकसान देखते हुए। अब हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं लेकिन हमारा राज्य तो मैन्युफैक्चरिंग राज्य तो है नहीं, हमको जितना मिलेगा उतना ही हम देने पाएंगे। और हम पूरी तरीके से, जब आपको याद होगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि एडवांस प्लानिंग भेजो, हम लोगों ने एडवांस प्लानिंग भी भेजा, जो जो आईसीएमआर के गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो किया। अभी उन्होंने 28 दिन का गाइडलाइन दिया, कभी उसको अलग ये कर दिया, तो वो भी मुझे लगता है कि एक तरीके से आईसीएमआर भी राजनीतिक रूप से जो है पता नहीं वैज्ञानिकों से दिशा निर्देश लेके काम कर रहा है कि इसका भी कोई राजनीतिक नफा नुकसान को देख के काम। और भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के मोहल्ला में पहुंचकर टीका एक्सप्रेस के जरिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई है। वहीं देर रात पटना से भागलपुर पहुंचे 5 टीका एक्सप्रेस वाहन की तरफ से विभिन्न मोहल्लों और गलियों में सैकड़ों लोगों को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर टीका दिया गया। साथ ही साथ टीका लगवाने के लिए जागरूक भी किया गया। वहीं सिविल सर्जन ने भी आम लोगों से संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से दिए जाने वाले टीके को लगाए जाने की बात कही। शहरी क्षेत्र में के 151 वार्ड के में आज से स्पेशल एक्सप्रेस वैन के माध्यम से कोरोना के लिए टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज वार्ड संख्या 19 में यहाँ पर काफ़ी लोगों ने आज टीकाकरण में भाग लिया, कई लोगों ने टीका लिया यहाँ आकर, और उसके लिए सदर अस्पताल से वहाँ की पूरी टीम आई है और मैंने भी स्वयं से जागरूकता के लिए कई लोगों से संपर्क किया। कई लोग ऐसे झिझक रहे थे, उनको मैंने समझाया कि वैक्सीन लेने से ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। रूरल एरिया में था, ग्रामीण क्षेत्र में था, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश से और विभागीय आदेश के अनुसार से ये टीका एक्सप्रेस अब हमारे लोगों के शहरी एरिया में प्रत्येक वार्ड में ये घूमेगा। 51 वार्ड में इसका माइक्रो प्लान बना दिया गया है। आज मैडम का, क्योंकि मेयर मैडम हैं तो इनके वार्ड में हम लोग ये शुरू करा रहे हैं और यहाँ पे हम सबको मोबिलाइज करके और सारे लोगों को 45 से जितने ऊपर के हैं उन लोगों का वैक्सीनेशन यहाँ होना है। और इसी तरह से ये जागरूकता के साथ साथ एक दो दिन पहले ही इनको सारे लोगों को बता।
वहीं बिहार में आए दिन बार बलाओं का डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। ताजा मामला बगहा के धनहा थाना क्षेत्र का है, जहां शादी समारोह में बार बलाओं ने जमकर ठुमका लगाया, जिसके बाद से वीडियो वायरल होता जा रहा है। धनहा थाना क्षेत्र में यह कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे कई जगहों पर पहले भी देखा गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि तमाम सख्ती के बीच कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए शाम से लेकर सुबह तक बार बलाओं का अश्लील डांस का आयोजन किए जाने का मामला सामने आता रहता है। हालांकि वीआईपी न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस तरह के मामले प्रशासन की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल खड़े करती है। वही दुमका पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां दुमका पुलिस ने मानव तस्कर गिरोह का बड़ा रैकेट को धर दबोचा है। सभी गिरफ्तार आरोपी यूपी के बताए जा रहे हैं, जो दुमका के एक दलाल के सहारे गरीब लड़कियों को शादी का प्रपंच देकर लड़कियों को यूपी और हरियाणा ले जाते थे। वहीं दुमका पुलिस ने यह सूचना मिली थी, जिसके बाद तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी कर इन लोगों को गांधो पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल गिरफ्तार लोगों को पुलिस जेल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बच्चियां हैं, उनके माता पिता को पैसा आदि का प्रलोभन देकर उनके साथ में शादी का झूठा नाटक करके लोग बच्चों को यहाँ से ले जाते हैं, और मानव तस्करी का ये पूरा रैकेट था। इस संदर्भ में थाना के स्तर से कार्रवाई की गई थी, जिसमें आज कुल 7 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक यहाँ का लोकल है जो बिचौलिया है, और ये लोग बिचौलिया को छोड़कर बाकी सभी लोग यूपी झांसी के रहने वाले हैं। उनके साथ एक एर्टिगा गाड़ी भी बरामद हुई, जो लोग यूपी से लेकर आए थे। वहीं अपने संसदीय क्षेत्र में दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री और सांसद गिरिराज सिंह ने सर्किट हाउस क्षेत्र सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान जिलाधिकारी अरविंद वर्मा, फिनायरी ईडी और सदर अस्पताल के अधीक्षक आनंद शर्मा भी उपस्थित रहे। कोरोना की लड़ाई में केंद्र राज्य सब मिलकर लड़ रहे हैं, और बेगूसराय में पेट्रोलियम मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी के सहयोग से बिहार का जिला में पहला 50 बेड का कोविड अस्पताल भी बन रहा है, उसके लिए स्वीकृति दी है। 1500 प्रतिदिन सिलेंडर वाला गैस बनाने वाला गैस का यूनिट का सैंक्शन दिया है। क्रायोजेनिक टैंक 5 का सैंक्शन दिया है धर्मेंद्र जी ने। धर्मेंद्र जी ने बेगूसराय को ऐसा तोहफा दिया है, जिससे आने वाले दिनों में हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना से और अन्य रोगों से लड़ने की पूरी ताकत हो। वहीं मधेपुरा के उदाकिशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय के मंजौरा पंचायत के वार्ड संख्या 9 में सैकड़ों लाभुकों ने एमओ राम कल्याण मंडल को बंधक बनाकर कई घंटों तक बवाल काटा और डीलर पर कार्रवाई की मांग करने लगे। दरअसल पूर्व में भी इस डीलर के खिलाफ राशन बांटने को लेकर लाभुकों ने शिकायत की थी, लेकिन मामला टालमटोल कर छोड़ दिया गया था। डीलर क्या मिली डीलर आपको घर पे? हाँ, डीलर बड़ा है, डीलर यहाँ पे डीलर का पापा मिले हैं। डीलर के अनुपस्थित में बांटा जा रहा था। कि जब जो आप गोदाम चेक किए, क्या गोदाम घर में रखने का अवसर है? घर में तो नहीं है रखने का। सुबह हमारे पास 4 लाभार्थी पहुँचा, जिसमें दिवाकर प्रसाद राम का कहना हुआ कि हमको 4 यूनिट है, 40 किलो अनाज होना चाहिए,
जिसमें कि हमको 26 किलो अनाज दे रहा है, हमने अनाज वापस कर दिया। उसके बाद दिनेश शाह को पूछे, दिनेश शाह पहुंचा, दिनेश शाह अनुदान जो 10 किलो अनाज जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा मिल रहा था, उसमें हर लाभार्थी 1 किलो अनाज काट के इस डीलर ने दिया देता है। क्या मांग है आपकी? मांग क्या है? पूरा मांग है पूरा कि हमको 10 किलो अनाज चाहिए एक हाँ। पर। नहीं देता है डीलर, ये वो सीमा वीडियो सब मिल के खाता है, हम लोग को नहीं कोई सुनवाई ना, और कहता है कि जाइए वीडियो को, जाइए एमओ साहब को। अभी क्या हुआ था आपके साथ? अभी गए तो क्या हुआ? साहब कुछ बता दिया, लिखाया को छोड़ दिया। कितना दे रहा था? 5 आदमी है ना, तो 3 आदमी को देता है, 6 आदमी है ना तो 2 आदमी को देता है, नहीं देता। वही मोतिहारी में जिलाधिकारी की ओर से नगर निगम मोतिहारी के बरियारपुर में राजकीय मध्य विद्यालय में टीका केंद्र सत्र का उद्घाटन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी और नगर निगम के महापौर ने संयुक्त रूप से कोविड टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह टीका एक्सप्रेस मेडिकल टीम के साथ पूरे नगर के विभिन्न वार्डों में घूम घूम कर लोगों को टीका देगी। से हमको लड़ना है तो इसका उपाय है कि जो वैक्सीन है उसको लगाना चाहिए, टीके को, ना सिर्फ अपने आप को लगाना है, अपने जो अभिभावक है, अपने जो पेरेंट्स है उनको भी लगाना चाहिए। हमने हमारे माता पिता को लगवाया है, क्या आपको लगवाया है कि नहीं वो भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम सुरक्षित होने से नहीं चलेगा, अपने पिताजी सीनियर सिटीजन जो है माता जी उनको भी आपको लगवाना चाहिए, तभी जो है हमारी पूरी सोसाइटी, ये मुझे मेरी अपील रहेगी कि आप सभी लोग जो है कृपया वैक्सीनेशन ड्राइव 45 प्लस उम्र के लिए जो है वैक्सीनेशन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अभी उपलब्ध है, जहां भी आप बोलेंगे वहां पे जो है वैक्सीनेशन आपको उपलब्ध किया जाएगा। मैं माननीय मेयर साहिबा को धन्यवाद देना चाहता हूं मोतिहारी नगर निगम कि वो यहां पे आए और यहां के जो टीकाकरण का जो सत्र है इसका उद्घाटन उनके द्वारा किया गया। सभी नगर निगम वासियों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग वैक्सीन लगाएँ, और आज हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आज हरी झंडी दिखाकर ओपनिंग किया गया है, इसके लिए मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और सारे नगर निगम से अपील करना चाहती हूँ फिर से कि आप लोग वैक्सीन लगाएं और सुरक्षित। वहीं मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति को अपने पालतू कुत्ते की पिटाई करना और बीमार पड़ने पर इलाज नहीं कराना महंगा पड़ गया। जानवरों के लिए कार्य करने वाली एक स्वयंसेवी संस्था के सचिव ने पशु अत्याचार अधिनियम के तहत युवक के खिलाफ मिठनपुरा थाने में केस दर्ज कराया। हालांकि संगठन के सचिव को FIR दर्ज कराने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह एनिमल एक्टिविस्ट मेनका गांधी को ईमेल किया कि उनकी पहल के बाद ही FIR दर्ज किया गया। ये मामला एक सुमन शेखर हैं, एक NGO चलाते हैं बेजुबानों की आवाज, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है कि राजकुमार आनंद मार्ग स्कूल BMP माली घाट के द्वारा अपने पालतू कुत्ता को जो उसके शरीर में कीड़ा पड़ गया है और उसको सही से इलाज नहीं कराते हैं, तो इसके आवेदन के आधार पर पशु क्रूरता की धारा 11C के तहत FIR दर्ज की गई है, अनुसंधान की जा रही है, अगली कार्रवाई की जाएगी। अभी से मतलब 4 दिन पहले उस गली से लेके आया था, मेरा भी पेट है सेम लहासा भरी का है, उसको उस गली से लेके आ रहे थे, फिर मतलब ये सेम मतलब उसी गली में इसका घर है, किस साइड में कौन सा स्कूल है वो, हाँ आनंद मार्केट डायरेक्ट अपोजिट में इसका घर है, तो ये कॉर्नर में बंधा हुआ था, मतलब आप डायरेक्टली उसको रोड पे से क्लियरली नहीं देख सकते किसके साथ हुआ क्या था, और उनके एरिया में उतना स्पेस ही नहीं है। वही बगहा SDM शेखर आनंद ने इमरती कटहरवा में चल रहे बांध निर्माण के प्रगति की जांच की और साथ ही इसमें इस्तेमाल जियो बैग में बालू के बदले मिट्टी भराई का शक जताया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अभियंताओं की इसकी जांच कराई जाएगी और साथ ही मचगवा और कनघुसरी आकर गांव में पहाड़ी नदी सिगहा के कटाव स्थल पर मुआयना किया। वहीं उपस्थित गाँव के लोगों से इस कटाव के बारे में पूछताछ भी की गई। Yeah.
कि बांध बनने से उनके गांव को बाढ़ के समय क्षति हो सकती है। ये विभागीय दिशा निर्देश में हम लोग इस पे एक मार्गदर्शन लेके जैसा वहां से डिसीजन आएगा उस आलोक में पुलिस और प्रशासन यहां अपना वो करेगी। सरकार हो रहा था जिसे जनता को संतुष्टि नहीं है सर, उसका हम लोग अभी जांच का ऑर्डर हो गया है, उसका जांच संबंधित एक अभियंता के थ्रू हम लोग करवाएंगे। अगर कार्य रोका जा रहा है ग्रामीण द्वारा, कोई निर्णय लिया जाए क्या इस पर? निर्णय लिया गया यही अभी बताया गया है कि चूंकि इन लोग का कंसर्न है बाढ़ को लेकर जो पहले से भी है उसको रखा गया है, एक फाइनल कॉल विभाग को मतलब उससे ऊपर हम लोग बात करके जैसा भी ऊपर का निर्देश आता है उस आलोक में हम लोग वैसा ही कार्रवाई करेंगे। वहीं सहरसा के नए बाजार में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल बिजली विभाग प्राइवेट मानव बल के भरोसे चलती है। सुखासन निवासी सुजीत बीते दिन बिहार के आदेशानुसार लाइन ठीक करने पोल पर चढ़ा ही था कि लाइन आ गई और वो पोल से ही लटक कर रह गया। तारे को पकड़े, तार छूट गया उसके नीचे। क्या नाम है उनका? सुधीर कुमार। कहाँ के हैं वो? सुखासन। अभी ठीक है वो? हाँ ठीक है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बोलते हैं चाहते सब कुछ। लोगों का आरोप है कि वहाँ लाइन ठीक भी कर रहा था उसी समय लाइन दे दिया गया। नहीं। वहीं मुंगेर में अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने ज्वेलरी संचालक की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूट की घटना को अंजाम दिया। और शेखपुरा के सकरा थाने में शराबी पिता के खिलाफ 10 वर्षीय पुत्र संजीव कुमार ने अपने पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दरअसल मामला सकरा थाना क्षेत्र कारे गांव का है, जहां कारे निवासी वीरो यादव शराब पीकर घर आकर अपने ही परिवार के साथ मारपीट करता रहता है। सर मेरा पापा जी है ना, थोड़ा सा अथी पीते हैं और घर में गाली मारते हैं, गाली देते हैं और मारते हैं, और कोठा पर से कुछ भी बोले तो वो कहते हैं कि धमकी देते हैं कि कोठा पर से कुछ जाऊंगा, और जुआ भी खेलते हैं और कर्ज भी ले लेते हैं, कर्जा लेके दूसरा शराब पी के मारपीट करता है घर में। यस। अच्छा, और अगर जो कुछ भाव सब बोलते हैं तो फिर कहते हैं पैसा मांगता है, अगर नहीं कहते कि नहीं देंगे तो कहते हैं तुम्हारे पोते को मैं किडनैप करा दूंगा अथी क्रिमिनल से। पापा ही बोलता है। यस सर। वहीं कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर दो युवकों पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घायल युवकों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया है। बरमसिया के थे राहुल यादव, पिता के नाम दिनेश यादव, क्योंकि हत्या करने का प्रयास किया, जिसमें मैथिल टोला में गोली मारा है, और इसमें जानकारी मिल रही है जो पहले की जो दुश्मनी है उसी कारण इनको गोली मारा है। स्थिति इनका चिंताजनक है, मैक्स हॉस्पिटल पूर्णिया रेफर किए गए हैं और बाकी हम लोग देख रहे हैं। क्या कारण, क्या समय कुछ आया? कारण जैसा लोग बता रहा है कि आपस में पहले से दुश्मनी थी, पहले से भी घटना घटी है, उसी दुश्मनी के कारण इनको मारने वाला कौन है सर? मारने वाला हम लोग देख रहे हैं, मारने वाला। अभी तक किसी को बाय नेम किया गया है? नहीं, अभी केस ही नहीं हुआ है, उनके लोग वहाँ चले गए हैं। हम लोग गुप्त रूप से पता लगा करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। रंजीत चौधरी नाम है, एक बगल से सबको बोलता है कि हम बाहुबली हैं, हम गोली मारेंगे। उषा देवी मुख्य भूमिका निभाती है, वार्ड कमिश्नर है तो क्या है, हम वार्ड कमिश्नर के पास कुछ नहीं, कुछ कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। आज से पहले जो हुआ था ने वो होवे किया था, उसका कोई साजिश कारण नहीं है, ऐसे वो बोला के मरवाया है राहुल यादव।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।